जिस जगह पे इस टाइम हम मौजूद हैं ये इसकी फूड कोर्ट है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको लिए चलता हूँ जो हमारा टाइटेनियम ग्रुप की तरफ से एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, द व्यू पार्ट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुफियान बट टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको लिए चलता हूं जो हमारा टाइटेनियम ग्रुप की तरफ से एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, द व्यू पार्ट 2, जो कि बहरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, यानी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो कि बहरिया टाउन इस्लामाबाद का, ना सिर्फ बहरिया टाउन इस्लामाबाद बल्कि DHA इस्लामाबाद और पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। जिस तरह से ब्लू एरिया को डिज़ाइन किया गया है उससे भी अपडेटेड ये यहाँ पे बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट को डिज़ाइन किया गया है बहरिया की तरफ से, और वहाँ पे सारे हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन फेज़ 7 के क्लॉक टावर के पास। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि मेरी बैक साइड पे बहरिया टाउन फेज़ 7 का क्लॉक टावर है, और ये जिस जगह पे इस टाइम हम मौजूद हैं ये इसकी फ़ूड कोर्ट है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स जो फ़ूड कोर्ट के हैं जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC, हार्डीज़, और यहाँ पे सारा बिज़नेस मेन डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन दे सकूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की अहमियत क्या है। हमारे पास यानी जो हमारा प्रोजेक्ट बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है वो किस लेवल पे कमर्शियल हब बन रहा है, और जहाँ पे जो ऑलरेडी बिज़नेस हो रहा है करंट अभी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे फेज़ 7 के अंदर, ये फेज़ 7 की सबसे अच्छी मार्केट कंसीडर की जाती है। ना सिर्फ DHA और बहरिया को ये एंटरटेन करती है, इवन यहाँ से पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग आते हैं, यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमर्शियल सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रवा दवा है। इस टाइम दिन का टाइम है तो यहाँ पे ज़्यादा आपको क्राउड नहीं मिलेगा क्योंकि खाने पीने के ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड हैं, तो ये ओबियसली रात को 6-7 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा ये कमर्शियल हब है, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको DHA का यहाँ से थोड़ा टूर करवाऊँगा जिसमें DHA के कमर्शियल का आपको आइडिया हो जाएगा, और इसके साथ साथ भी जब मैं इसमें द व्यू जहाँ पे हमने न्यू लॉन्च किया है उसकी साइड लोकेशन पे हम जाएंगे। तो अभी हम पहले इस कमर्शियल को थोड़ा सा व्यू करते हैं, इसके बाद DHA के कमर्शियल को व्यू करते हैं, फिर जो सबसे मेन इनकी दोनों की DHA और बहरिया टाउन की मेन जो हार्ट ऑफ दी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है उसको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारी द व्यू की लोकेशन आ रही है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग यहाँ पे पहले फेज़ 7 की जो फूड कोर्ट है इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँगा। यहाँ पे एक आइडिया आपको देना था कि यहाँ पे कमर्शियल किस टाइप के हैं। ये देखें, ये हम फूड कोर्ट की मेन बुलेवर्ड पर जा रहे हैं, फेज़ 7 की है, और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं। ये यहाँ पे सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ आप मेरे लेफ़्ट राइट पे देख सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे अल्फतेह है, जैम के बिल्डर के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, AAA के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, और KPG के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपर इन्वॉल्व हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया ये प्रोजेक्ट्स को। और असल में ये कंपैरिजन देना इसलिए मकसद था क्योंकि जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है अभी मैं वहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ, तो आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट जो होते हैं उनको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो हमें कह रहे होते हैं कि हमें लाइव जाके वीडियो दिखाई जाए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि देखें वाइज डिसीजन करना प्रॉपर्टी के, क्योंकि हमारा ताल्लुक प्रॉपर्टी से है तो उसमें आज मैं बात करूँगा। प्रॉपर्टी में राइट टाइम पे एक वाइज डिसीजन जो है वो आपको बड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट करवाता है, एक बड़ी अच्छी रिटर्न उससे निकलती है। तो आज हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे सामने कि सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। ये बस इतना सा कमर्शियल है फेज़ 7 का जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्न भी किया है। जिन लोगों ने टाइमली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी आज वो लोग यहाँ से फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट से अपना जो है ना वो कमा रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पे बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। अभी तो दिन का टाइम है, शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, आपको इवन पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे रेंटल जो रेशो है वो बहुत अच्छी है इस जगह के ऊपर। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमें जो हमारी परसेप्शन है ये सारी मूव होने वाली इन फ्यूचर बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो कमर्शियल हैं ये किस टाइप की हैं, और यहाँ पे भी ब्रांड्स आए हुए हैं इवन, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को जो है ना एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है। जितनी एक ब्रांड को स्पेस चाहिए होती है उतनी स्पेस उनको यहाँ पर नहीं मिलती। ये आप मेरे अगर लेफ़्ट साइड पे देख सकें तो ये लेफ़्ट साइड पे ये DHA मेरे चल रहा है, और ये DHA फेज़ 1 के कमर्शियल्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रांड्स हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि ब्रांड्स को हमेशा एक वाइड स्पेस चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे उनको छोटे छोटे में ही अपना को एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेफ़्ट साइड पे सारा DHA का कमर्शल है और अभी ये राइट साइड पे अगर देखें तो ये बहरिया टाउन फेज़ 7 का कमर्शल है। बहरिया का आप देख सकते हैं ये असफारी होम, जहाँ पे रफ़ी ब्लॉक है, बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, यहाँ पे मेन बहरिया का हेड ऑफिस भी है इनमें। और ये लेक व्यू राउंड अबाउट है और लेक व्यू कमर्शियल में ये डोमिनियन मॉल की बिल्डिंग है, ये आप 39 के नाल की है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हम पास पहुंच गए हैं, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ से इस साइड से स्टार्ट होता है। फिर जो हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे तो वो हम मेन एक्सप्रेस वे से लेंगे जो बहरिया फेज़ 7 फेज़ 8 का एक्सप्रेस वे। ये हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जानिब से अभी एंटर हुए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट राइट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि फ्यूचर के बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये हाई राइज प्रोजेक्ट हैं और किनालों पे हैं। ये लेफ्ट राइट पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन स्टेज की तरफ जा रहे हैं। जो बहरिया का मेन हेड ऑफिस अभी शिफ्टिंग करना, वो बिल्कुल ये आपको सामने अलामा इकबाल जंक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये इन्होंने हॉर्सेस बनाए हुए हैं। इसकी बिल्कुल जस्ट बैक साइड पे बहरिया अपना नया जो हेड ऑफिस है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको उधर से व्यू करवा देता हूँ। ये बहरिया का फेज़ 7-8 का एक्सप्रेस वे है जो मेन रोड आ रहा है एंट्रेंस से। ये अभी हम वहाँ से आके हमने एग्ज़िट लिया और ये सारा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। और सामने अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर बहरिया की जो मेन हेड ऑफिस की वो सामने बिल्डिंग बिल्कुल जो बिल्कुल सामने अपोजिट में है वो बहरिया की यहाँ पे हेड ऑफिस शिफ्टिंग होने जा रहा है। ये बहरिया का मेन हेड ऑफिस है जो यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर इसको यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो और यहाँ पे क्राउड और मज़ीद बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी। ये अगर लेफ़्ट साइड पे हम जाते हैं तो हम फेज़ 7 की तरफ चले जाते हैं और अगर हम स्ट्रेट जाते हैं इस राउंड अबाउट से अलामा इकबाल जंक्शन से तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ चले जाते हैं। ये अगर एक्सप्रेस वे से आएँ तो ये एंट्रेंस इसकी बनती है और यहाँ से ये सारा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कितनी वाइड रोड्स पे बनाया जा रहा है। रिंग रोड की एक्सेस के बाद ये और भी ज़्यादा इसकी अहमियत हो जाएगी। इस रोड की, इस कमर्शियल की फेज़ 8 एक्सटेंशन के पास अगर इंटरचेंज आ जाता है रिंग रोड का तो उससे इसको मज़ीद पोटेंशियल इसके अंदर बन जाएगा। मलिक रियाज मस्जिद है, अगर ये आपको दिखा सकें, जामे मस्जिद मलिक रियाज है ये। इसकी बैक साइड पे रोड है इस प्रोजेक्ट की। ये आप सामने देख सकते हैं ये हमारा जो दी व्यू पार्ट 2 की लोकेशन पे हम आ चुके हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे इसकी लोकेशन है, सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा, उससे अगर देखें बिल्कुल नियर है उसकी ये फ्रंट हमारा इस तरफ होगा। ये सामने जो आपको प्लॉट नज़र आ रहा है एक्चुअली ये हम एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़े हैं दी व्यू पार्ट 2 की। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। फ्रंट उसका इसकी तरफ 360 फीट वाइड रोड की तरफ होगा और इसके बैक साइड पर भी रोड है। मैं थोड़ा हाइट पर जाके आपको वो दिखा देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज आपने देखा, मैंने आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके दिखाया। फेज़ 7 की जो फूड कोर्ट थी वहाँ से हम होते हुए आए, तो दरमियान में हमने DHA के कमर्शियल भी देखे, फेज़ 7-8 के कमर्शियल भी देखे, लेकिन ये भी मैंने आपको दिखाया कि ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किस तरह से प्रोजेक्ट बने हैं। ये इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्लॉट The View Part 2 के पास बिल्कुल, और यह मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नियर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और 360 फीट वाइड रोड यही सामने आपके नज़र आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये राइट साइड पे मेरे अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो ये बिल्कुल एक्चुअल हमारी जो साइट लोकेशन है वो यहाँ पे आ रही है। ये हमारा The View Part 2 का प्लॉट है, और ये आप देख सकते हैं आलमोस्ट 2 कनाल का ये प्लॉट है, और यहाँ पर प्री लॉन्चिंग अभी प्राइजेज़ हमने दी हैं क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है ये टोटली क्लाइंट ओरिएंटेड हमने बनाया है, यानी ये यहाँ पे सराउंडिंग में आपको जितने प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप उनसे कंपैरिजन करेंगे हमारे रेट्स के साथ तो हमारे रेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल मिलेंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइंट को फ़ायदा हो, ओबियसली आपको फ़ायदा होगा, तो विन टू विन सिचुएशन रखी है हमने यहाँ पे, और प्राइजेज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमने इकोनॉमिकल रखी हैं। यानी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हमने 50,000 जस्ट पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्चिंग में लॉन्च किया है, और इसका जो लोअर ग्राउंड का हमने कमर्शियल का रेट लॉन्च किया वो 30,000 है। इसी तरह से लोअर ग्राउंड में कमर्शियल है हमारे पास, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड्स होंगे, और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल हमने दिए हैं, और ऊपर इसके और सेकंड फ्लोर से हमने यहाँ पे ऑफिसेस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेस जो बड़े हॉल हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं लोगों को, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे कोई भी आप फ्रेंचाइज़ अपनी ओपन कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, और इवन अपना बिज़नेस भी कोई कर सकते हैं। और ऊपर इसके सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड, थर्ड फ्लोर से सॉरी ऑनवर्ड, हमने यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट दिए हैं, और 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं। इसका जो पेमेंट प्लान है वो अकॉर्डिंगली 2.5 ईयर का इसका पेमेंट प्लान होगा। सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली इसके अंदर फ़ील हुई है वो एक तो इसकी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्यूचर का ब्लू एरिया से भी ज़्यादा अपडेटेड ये कमर्शियल हब बनाया जा रहा है, और इसमें जो सराउंडिंग है वो DHA बैरिया है, और इसके अलावा जो इसकी प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रखी गई हैं। आप कंपेयर कभी करके देखिएगा, जितने सराउंडिंग में हमारे प्रोजेक्ट हैं उनमें से हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली इसको बनाया है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे हमने इसको दिया है। फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा ही अच्छा मैक्सिमम रिटर्न देगा। थर्ड चीज़ जो मुझे पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इसकी जो हमने पोजेसन देना है वो जस्ट हम लोग इसको पोजेसन 20 से 22 मंथ्स के अंदर जस्ट हम इसका पोजेसन दे रहे हैं। 22 मंथ्स में गारंटी से चीज़ आपके हैंड ओवर हो सकती हैं, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्योंकि सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितनी देर लगाते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर, सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर इंशाल्लाह ताला The View Part 2 के अंदर हम करेंगे। जिस तरह The View Part 1 में हमने लाहौर के अंदर बहरिया टाउन के अंदर डिलीवर ऑन टाइम हम कर रहे हैं, बिफोर टाइम उसको डिलीवर किया जा रहा है, और वो अपनी सक्सेस के बाद ये हमने The View Part 2 लॉन्च किया था। व्यूअर्स, आज इन्वेस्टमेंट के हवाले से या आपको कोई भी पाकिस्तान के अंदर क्यूरी हो किसी भी सोसाइटी के हवाले से, बहरिया DHA के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गिवन बिलो नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।